अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिजलर चिकन 65 बना रहे हैं रमजान स्पेशल। ये देखो, इसमें से तेल लगेगा डालेंगे, इसमें से थोड़ा सा दही लेंगे, और ये देखो हमने चिकन के पीसेस ऐसे बना के रखे हैं। ये देखो ये बोटलेस चिकन है, इसमें पानी डाल के एक घंटा हुआ हमने नमक डाले और उसमें एक थोड़ा सा विनीगर डाल के रखे हैं। ये ऐसा करने से पूरा चिकन का पूरा ये चला जाता है, मैल चला जाता है, खून वून लगेला सब हम धो के रखे थे तो भी सब चला जाता है और ऐसा एकदम फर्स्ट क्लास बन जाता है। अंदर से एकदम नरम, एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी भी लगता है। हाँ, ऐसा बनाओ। ये देखो, दो चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, दो ये थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, दो चम्मच हम मैदा डालेंगे और ये इसमें से दही लेंगे थोड़ा सा, दही से और टेस्ट भर के आता है। कोथमीर लेंगे, ये हमने प्याज जो हरी प्याज रहती है उसका पीछे का हिस्सा हमने काट के रखे हैं, प्याज है सफेद वाला, और ये एक शिमला मिर्च को काट के रखे हैं। एक अंडा लेंगे, अंडा लेना जरूरी है इसमें चिकन 65 में, और नमक स्वाद अनुसार लेंगे। हमने चार पांच बीच लहसुन के लिए वो काटे हैं बारीक बारीक, थोड़ा सा 2 इंच का टुकड़ा लेके उसको कीस डाले बारीक बारीक। अभी ये देखो कांदा भाजी रहता है उसका पीछे का कांदा ऐसा काट के रखें, थोड़ा आगे का जो रहता है भाजी का वो थोड़ा सा काट के रखें। और ये देखो हमने एक चम्मच भर अदरक लहसुन का पेस्ट लिए हैं, एक चम्मच भर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिए हैं, हमने एक टीस्पून हल्दी लिए हैं, एक टीस्पून काली मिर्च लिए है, एक टीस्पून हमने मटन मसाला लिए है। अभी हम बनाने का बता रहे हैं। अभी हम अंडा फोड़े, अभी सब फटाफट मसाला डालेंगे, अदरक लहसुन डाल दिए हमने, ये पूरा मसाला डाल दिए, ये फटाफट जल्दी जल्दी बनता है एकदम फर्स्ट क्लास। नमक डाले स्वाद अनुसार। ये देखो अभी हम दही डाले, दही का पानी नहीं डालेंगे हम इसमें, खाली दही डालेंगे स्वाद आने के लिए, टेस्टी लगने के लिए। ये ना बना के आधा घंटा एक घंटा रखने का रहता है। सब देखो कॉर्नफ्लोर डाले, मैदा डाल रहे हैं, दो दो चम्मच डालेंगे, पाव किलो चिकन है, दो दो चम्मच डाले हम। कॉर्नफ्लोर छोरे इसके लिए ग्रेवी बनाने के लिए काम आएगा इसके लिए। अभी इसको मिक्स कर रहे हैं हम, इसको एक घंटा आधा घंटा रखेंगे ना तो इसमें स्वाद बढ़ जाता है। देखो हम कलर नहीं डाल रहे इसके लिए कि हमारे पास कश्मीरी मिर्ची का कलर आ गया है, इसको आपको डालना है तो डालो, हम कलर नहीं डाल रहे क्योंकि हमारे पास कश्मीरी मिर्ची है ना, उसका कलर आ गया है इसमें। अभी पूरा मिक्स करेंगे, आप आधा घंटा नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उतना टेस्टी नहीं लगेगा, थोड़ा रख के करेंगे ना तो टेस्टी लगेगा, जितना रखेंगे उतना अच्छा रखेंगे। हम रखेंगे इसको अभी ढक के रखेंगे, गया अभी हम इस चिकन को फ्राई करेंगे। ये देखो अभी तेल गरम हो गया, अभी चिकन को फ्राई कर रहे हैं, एक एक पीस डाल के फ्राई करेंगे। चिकन 65 की बोटी तैयार है, जो हम निकाल रहे अभी इसका ये बना रहे, ग्रेवी बना रहे। देखो फर्स्ट क्लास कैसा अच्छा बन गया एकदम फर्स्ट क्लास। देखो हम चिकन 65 की ग्रेवी बना रहे हैं, एक चम्मच तेल डाले, ये अदरक लहसुन उसके अंदर डाले, अभी देखो कांदा भाजी का सफेद पार्ट डाले, ये मिर्ची डालेंगे, बीच में से मिर्ची को काट के लेंगे, तीखी मिर्ची नहीं डालेंगे, एक तीखी मिर्ची है, शिमला मिर्च डालेंगे, ये प्याज जो हमने थोड़ा बड़ा बड़ा ये करके रखे थे वो डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छे से हिलाएंगे उसको, मिक्स करेंगे। अभी सोया सॉस डाल रहे हैं एक चम्मच, हमने रेड चिली सॉस एक चम्मच डाले, विनीगर एक चम्मच डालेंगे, अभी सोया सॉस एक चम्मच डालेंगे,
ऐसा बनाएंगे ना बहुत टेस्टी बन जाता है। अभी देखो कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बनाएंगे। ये देखो अभी घोल बनाएंगे, उसके अंदर डाले, अभी मिक्स कर रहे हैं, बारीक गैस रखे हैं। आधा गिलास हमने पानी डाले इसके अंदर। देखो इसको अच्छे से उबाल आ गया, अभी हम इसमें चिकन डालेंगे और पूरा मिक्स करेंगे और सब करके बताएंगे आपको। नहीं खाने वाला इसको खाएगा, इतना टेस्टी लगता है ये। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। प्लेट को अच्छे से गरम किए, ये देखो अभी इसके अंदर तेल लगाए, आप मस्का भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, हमने तेल लगाए। ये देखो हमने जब ही चालू किए ना सिजलर चिकन बना 65 बनाने के लिए, जब ही से हम बारीक गैस पे सिजलर की प्लेट को गरम करने रखे थे। आप भी ऐसा ही करो, नहीं तो ऐसी जल्दी जल्दी गर्म नहीं होती है प्लेट। अभी ये देखो सर्व कर रहे हैं इसके अंदर, वो भी लगा दिए हमने। अभी इसके अंदर हम जिसके हरी प्याज डाल के गार्निश करेंगे। ये देखो और गर्मा गर्म इसको खाएंगे। देखो हमने चिकन 65 सिजलर बना दिए, एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसा बना के खाओ, रोजा खोल के खाओ, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना है, अच्छी खुशबू आ रही है। महक किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, मेरी रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज अल्लाह हाफिज़।